लेकिन इस बीच कनाडा की करतूतों को लेकर भारत कैसे सख्त हो गया है, बड़ी खबर। जहां कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा निलंबित, कनाडा के लोगों के लिए भारत के लिए वीजा पर रोक को लेकर आज सबसे बड़ी खबर आई और कहा गया कि अगली सूचना तक वीजा सेवाएं निलंबित रहेंगी। कनाडा से तनाव के बीच सरकार की तरफ से लिया गया ये बड़ा फैसला। तो एक तरफ कनाडा के लोगों के लिए भारत में वीजा पर रोक लगी है, दूसरी तरफ कनाडा की बौखलाहट भी अब बढ़ती जा रही है। आगे क्या कर सकता है कनाडा, जानकारी आपके सामने। और ये जानकारी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आतंक पर कनाडा पूरी तरीके से बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और राजनयिकों को वापस भी बुला सकता है कनाडा, यहां तक कि भारत में राजनयिकों की सुरक्षा का हवाला अब कनाडा दे रहा है। दुनिया में कनाडा की किरकिरी होने के बाद कनाडा की बौखलाहट बढ़ती जा रही है और भारत ने कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए भी अब एडवाइजरी जारी कर दी है। हालांकि रोबिंदर सर, ये समझना बहुत जरूरी है इस फैसले को फिलहाल क्या समझा जाए, क्योंकि लोगों के बीच इसके जरिए क्या मैसेज जा रहा है और ये सुनिश्चित भी करना होगा कि लोगों के बीच, कनाडा में रह रहे लोगों के बीच में खौफ ना बढ़े। एब्सोल्युटली, आई मीन मल्टीपल चीजें, एक तो जिस हिसाब से जा रहा है मामला, हमने कुछ किया है वो कुछ करेंगे, वो कुछ करेंगे हम कुछ करेंगे, बिग पिक्चर में मेरा ये कहना है, मानना है अभी से लेकर के जब तक इसकी इनकी इंक्वायरी की रिपोर्ट आनी है, हो सकता है 2 हफ्ते 4 हफ्ते 6 हफ्ते जब भी आए, इस समय के बीच में भारत और कनाडा को अपने टेम्परेचर कूल डाउन कर देने चाहिए, बहुत अहम है मेरे विचार से। क्योंकि आप देखिए अभी तो इंक्वायरी की बात हो रही है ना, कनाडा की जो रिपोर्ट आएगी उसमें क्या कहेंगे हम कह नहीं सकते, वो जो भी कहेंगे हम तो कहेंगे नहीं, राइट। पर उस समय मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और हो जाएगा, हमारे लिए भी, अमेरिका के लिए भी, इंग्लैंड के लिए भी। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस समय इस पूरे मामले को बैक डोर से जी ये मामला शांत किया जाए। क्या ये संभव हो पाएगा योगेश सर, यही बड़ा सवाल है, क्योंकि डिप्लोमैट्स को लेकर फैसला होना, एडवाइजरी जारी करना, ये साफ संकेत दे चुका था कि बहुत लेवल तक चीजें इग्नाइट हो चुकी हैं। भाई आज जो खबर आ रही है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने आई थिंक ये बात मान ली है कि वो कनाडा को जो है वो बैक चैनल्स के थ्रू मदद देने को तैयार है इस इन्वेस्टिगेशन में। तो उससे जो है मेरे ख्याल में इट शुड हेल्प इन कूलिंग डाउन टेम्परेचर्स इन कनाडा। राइट। और जहां तक ये वीजा का मतलब है, वीजा का मसला है, ये तो शायद ऑपरेशनल रीजंस की वजह से फैसले लिया गया है। थोड़ा सा ये जो लोग खालिस्तानी एलिमेंट्स, इनके ऊपर इनको स्क्रीन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस किस के पास वीजा है, इनको वीजा ना मिले। Right. और उसके अलावा थोड़ा सा वहाँ शायद हमारे स्टाफ के लिए भी जो है मुश्किलें खड़ी हो गई है, तो उनको भी देखना पड़ेगा। और एक इन जनरल जो है जो कनाडा से लोग आ रहे हैं उनकी ज्यादा स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी कि गलत किस्म के लोग जो है वो ना आ पाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन मेरे ख्याल में कोशिश दोनों साइड की यही रहेगी कि तनावपूर्ण स्थिति को जो है थोड़ा सा कूल डाउन किया जाए। बिल्कुल, लेकिन इस बीच आतंकियों पर बड़े एक्शन को लेकर कैसी तैयारी की गई है, अगली बड़ी खबर। जहां 43 गैंगस्टर्स को लेकर एनआईए ने 43 गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी की है, आतंकियों की इस लिस्ट को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं, जहां एनआईए की लिस्ट में मौजूद कई लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इन चेहरों को जरा गौर से देखें, क्योंकि एनआईए की तरफ से जारी की गई लिस्ट में यह साफ तौर पर कहा गया कि इनकी देश विरोधी गतिविधियों की वजह से ये एनआईए की लिस्ट का हिस्सा रहे हैं। और एनआईए जिस तरीके से अब पूरे मामले पर एक्शन की बात कर रहा है, मेरे सहयोगी से इस बारे में चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करूंगी, क्योंकि एनआईए की लिस्ट में किन लोगों के नाम हैं, उनके अपराध आखिर हैं क्या, यही डिटेल जानकारी आपके सामने। जहां देखिए चार बड़े चेहरे आपके सामने, सुखदूल सिंह उर्फ सुखा एनआईए का ये मोस्ट वॉन्टेड, जिसको लेकर आज सबसे बड़ी खबर आई, गोल्डी बराड सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोपी, साथी लॉरेंस बिश्नोई इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट का सरगना, और गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला टारगेटेड किलिंग के आरोप इसके ऊपर रहे हैं। हालांकि एनआईए की इस लिस्ट में और भी बड़े नाम और चेहरे हैं, जहां सतविंदर सिंह उर्फ सैम लॉरेंस का ये शार्प शूटर माना जाता है, और साथ ही सनोवर ढिल्लो जो कि हरियाणा में गैंग चलाता है और
पंजाब में भी इसकी गतिविधियां देखी गई हैं। हालांकि बब्बर खालसा का सदस्य लखवीर सिंह उर्फ लंडा भाई, इसके साथ ही हथियार तस्करी और वसूली के आरोप अर्श डल्ला पर भी लगे हैं। अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला, इसके साथ ही दीपक जो कि पंजाब में गैंग ऑपरेट करता रहा है, दीप नवा शहरिया ये नाम है इस आतंकी का, और पंजाब में धार्मिक नेताओं की हत्या में शामिल रहा है रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज। इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या में वांटेड अनमोल बिश्नोई को लेकर भी बड़ी खबरें आती रही हैं। लेकिन जिस तरीके से कनाडा और पाकिस्तान में अपना नेक्सस बढ़ाया है भगवान पुरिया ने, जग्गू भगवान पुरिया इसका नाम बताया जा रहा है, जसदीप सिंह उर्फ जग्गू। हालांकि एनआईए ने अब खालिस्तानी आतंकियों पर शिकंजा कसना जिस तरीके से शुरू कर दिया है, खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के कुछ आतंकियों पर इनाम भी घोषित किए जा चुके हैं, और आतंकियों के खिलाफ एनआईए का ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है उसी के बारे में जानकारी आपके सामने कि कैसे हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। साथ ही एक और नाम है लखबीर सिंह संधू का, 10 लाख का इनाम इस पर भी है। यादविंदर सिंह उर्फ यद्दा पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। मनीष, एक जानकारी एनआईए की तरफ से जारी की गई उस लिस्ट को लेकर और इनकी गतिविधियों को लेकर। बिल्कुल, देखिए जब भी भारत सरकार की तरफ से कनाडा में ये कहा गया कि ये सब क्रिमिनल हैं, ये वांटेड हैं भारत के कोर्ट में कचहरी में, लेकिन कनाडा की तरफ से कभी मदद नहीं दी गई। हकीकत यह है कि कनाडा की ज़मीन भारत से भागे गए क्रिमिनल्स के लिए स्वर्ग बनकर है। वहाँ पर तमाम क्रिमिनल्स ऑपरेट कर रहे हैं जो इंडिया के क्रिमिनल्स थे, जिन्हें भारत की अदालतें ढूंढ रही थी, और उसका परिणाम ये हुआ है कि अब कनाडा में गैंग वॉर होने लगे हैं। एक गैंग वाले दूसरे गैंग को मारते हैं, और इसी गैंग वॉर के तहत ही सब लोग मारे गए, चाहे सुखा मारा गया, निज्जर मारा गया, या उससे पहले रिपुदमन सिंह मलिक मारे गया, सब अपने वर्चस्व की लड़ाई में मारे जा रहे हैं। और इसी के बीच में जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बेतुका, अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगाया। तो सवाल यह था कि कनाडा को जहां यह कोशिश करनी थी कि अपने यहां लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे, बजाय उसके उसने भारत पर बेवजह उंगली उठाई थी, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की सरकार उस काम को करने में सफल साबित नहीं हो पा रही थी, और दूसरा उन पर अपना, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, पॉलिटिकल प्रेशर हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस बीच जो बड़े खुलासे हो रहे हैं वो कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आती हूं आपके पास मनीष, क्योंकि अब हरदीप सिंह निज्जर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे 2013 और 2014 में कई बार पाकिस्तान गया था निज्जर, पाकिस्तान में बब्बर खालसा के जगतार सिंह तारा के साथ रुका था, जगतार सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल था, और अब पाकिस्तान जाने को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं। एक बार फिर से जान लीजिए कैसे अब निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर को लेकर यह खुलासा हुआ कि वो 2013 और 14 में पाकिस्तान गया था, बब्बर खालसा के जगतार सिंह तारा के साथ वहां पर रुका था। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे, क्योंकि निज्जर की हत्या के बाद एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, और निज्जर से जुड़ी कई चौंकाने वाली जानकारियां भी अब सामने आ रही है। तो पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर जिस तरीके से शुरुआत में बात कही थी, कनाडा के मिशिगन हिल्स इलाके में ट्रेनिंग कैंप चलाता था यह शख्स,